ना पेपर बड़ा पेपर क्या जेई का जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन ही आता है। हमारे जमाने में ना आईटी का जो फॉर्म था वो ऑफलाइन आया करता था और बैंक में मिलता था, तो बैंक में लंबी सी लाइन लगती थी, उस लाइन में जाते थे फॉर्म लेके फिर आते थे, ठीक है, ऐसे भी हूँ बिल्कुल ब्रोशर टाइप आता था ऐसे फॉर्म, ठीक है, उसको भरते थे, फिर भरने के बाद वो जो भी आईटी उस एग्जाम करा रही होती थी, कई बार दिल्ली बॉम्बे कानपुर आईटी से एग्जाम कराती है तो उस आईटी उसको पोस्ट करते थे, फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट कार्ड आता था, फिर बाद में एडमिट कार्ड आता था, ऐसे होता था। तो मुझे अभी ना उसका जो ब्रोशर का जो पहला पेज ना उसके पीछे जो लिखी हुई चीज़ें थी ना उसमें से एक बात आज तक याद है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आईटीज किस तरह के बच्चे सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आईटीज किस तरह के बच्चों को ढूंढ रहे हैं, तो उसमें बात बात तो बहुत ही ऑब्वियस ऑब्वियस थी कि ना आईक्यू अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं बढ़िया लगी कि स्टूडेंट शुड बी गुड डिसीजन मेकर, स्टूडेंट शुड बी गुड डिसीजन मेकर। अब जरा इस बात को सोचो कि कैसे आईटी कैसे डिसाइड करता होगा, आईटी अपने एग्जाम को किस तरह से बनाता होगा कि वो इस बात को छांट सके कि अच्छे डिसीजन मेकर के ही नंबर आने चाहिए और खराब डिसीजन मेकर के नंबर नहीं आने चाहिए, कैसे डिसाइड करता होगा। तो मैं इसके बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना वो एग्जाम को सवालों को इस तरह से प्लेस करती है कि बच्चा है ना वो फंस जाए और जो कोई खराब डिसीजन निकलोगा वो फंसा ही रह जाए और जो अच्छा डिसीजन निकलोगा वो जल्दी समझ जाए कि कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है, किस सवाल को कितना समय देना है, कितने कितने समय के बाद सवाल को छोड़कर आगे बढ़ना है, वो अच्छे से डिसाइड कर सके कि यार मुझे सवालों के साथ कोई ईगो फाइट नहीं करनी है, मुझे किसी तरह से नंबर से मतलब है, ये सवाल चार नंबर का है तो अगला सवाल तो चार नंबर का है, इस सवाल के साथ ऐसे क्यों ईगो लेके बैठा हूं कि मैं ये करता रहा हूं। समझ सकता मैथ्स का मान लो कोई सवाल आ गया है ना खतरनाक सा और अपने तो ईगो भी ले लिया, एक्चुअल एग्जाम में ईगो भी ले लिया, जिस दिन मतलब अपने लाइफ में डिसाइड होना है कि आईटी दिल्ली मिलेगी या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगी, जिस दिन ये डिसाइड होना था उस दिन हमारे दिमाग में ये ठंडी क्या ये वाला सवाल तो करना ही है, ठंडी नहीं चाहिए थी, ठंडी हमारे यार आज तो ना मजा करेंगे ये वाला सवाल करेंगे, बल्कि इस बार खास बात नहीं, अगला सवाल चार नंबर का है, ये सवाल चार नंबर है, देखना बस हम अच्छे डिसीजन लेकर नहीं, हम फंस गए उसके अंदर, हम सवाल देखकर समझ नहीं पाए कि ये वाला सवाल जो है छोड़ने के लिए बना है, हम नहीं समझ पाए, हमने ईगो भी ले लिया कि यार करूंगा, फिर करते रहे उस मैथ्स का सवाल था, एक्सप्रेशन सॉल्व करते गए करते गए करते गए, पाँच मिनट बाद वही एक्सप्रेशन वापस आगे सॉल्व करते करते, फिर लगा कि अरे थोड़ी देर और करता हूँ बस आंसर आने वाला है, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद सोचते हैं बस आंसर आने वाला है, अगर मैंने इसको सोल्व नहीं किया तो 10 मिनट वेस्ट हो गए, फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंस गए कि 15-17 मिनट इस तरह से वेस्ट हो गए, और ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना ये, उसके बाद मतलब आंसर नहीं आया, 17 मिनट लगे 18 मिनट लगे आंसर नहीं आया, अब अगला वाला सवाल जब तुम करोगे ना तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है कि यार अब नहीं हो पाएगा, मैंने इस 17 मिनट के अंदर लोग 3 साल के बैठे मैं 3 साल चला गया, वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अब आगे फर्क और डालेगा, तो इसलिए मैं भी कहूँगा कि एग्जाम गिविंग स्किल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा करो इस बात को, हमेशा समझा करो इस बात को, एग्जाम गिविंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी तुमको एक खास बात फिर से इस बात को रिपीट करके बोलता हूँ कि यू शुड बी वेरी गुड डिसीजन मेकर्स।